प्रभु जी नमस्ते। नमस्ते देवर, और तू ठीक है ना? हाँ भाव जी, तू अपन बतावा। अपनो ठीक बा भैया। और भाव जी बतावा, खाना उना बन गया? हाँ देवर, खाना उना बना ली हूँ। का बनाए भाव जी? सब्जी चावल रोटी बनाई हूँ। ए भाव जी, पुलाव ना बनाओ? अरे पागल, पुलाव कहते हैं। हाँ वही तो। ए अच्छे लाल, का सस पहले परिचय बता दूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ को बता दे भौजी, बता दे। भैया बाबू, हमारा नाम कविता बा और मेरे एक भाई हैं जिनका नाम सामन है। क्या बताऊं मेरे भैया, कहे थे चलो बहन मैं 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और वो पैसे दे के तुम्हारी विदाई करके मैं अपने घर लेकर के आऊंगा। आज तक अभी तक दिखाई नहीं दिए, क्या बताऊं मैं अपने घर में अकेली बैठी रहती हूँ। एक ननद है जिनका नाम सपना है, कभी कभी आती है तो दिल बहल जाता है, नहीं तो मैं अकेले अपने घर में बैठी रहती हूँ। चल रही हूँ, बैठती हूँ, मेरी ननद आती होगी। शंकर अक्षलाल बाबू साहब, एक बात मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। बाबू पूछा? पूछा? आप कहता साले कब तू सुधरेगा रे? आप कहता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ओ आप बाबू पूछा, तो बता कि शंकरवा की दुल्हन कब चुबा इस वक्त कहाँ पर है? ओ भौजी। हाँ हाँ भौजी, भौजी अपने कमरे में, कमरे के अंदर है। जी हाँ, इधर आ जाकर मेरा एक संदेशा बोल दे कि तुम्हारे जेठ जी आए हैं। नहीं बोल पाएगा? बताओ, जाकर बोल दो कि मैं आया हूँ। खड़ा हो जाए आप। खड़े तो हैं बे, वहर हो जाए। अच्छा, और वहर हो जाए। ए भौजी, मैं आया हूँ। ए भौजी, मैं आया हूँ। मैं आया हूँ? हाँ। ए आए हो, चलो चाय पिए, खाना खाओ, आराम करो। ए बाबू, क्या वे बोल दिया संदेशा? भौजी के लगे गए, हम कहे भौजी मैं आया हूँ। अच्छा ले रहे तो भाजी कहते इन आया तो कौन बात नहीं ने, चला चाय पिए, खाना खा, चला बिस्तर लगा के सोवा। अरे यहाँ से गया तो सारे तू अपनी पर्चा देने लगा। आप कहा? अरे तुमको हमें बताना था। ओ आप अगर नहीं समझ रहा है ना तो जाकर बोल दे कि तुम्हारे जेठ जी आए हैं। ओ आप दूरी हो जाए। हाँ हाँ दूरी है। हाँ। जाओ। ए भौजी, भौजी हो आप जेठ जी आये, ननी भड़का भैया आये हैं। जी हाँ, बुला लिया ही। कौन बाबू हो? अरे कुछ बोलेगा बाबू हो,
बाबू हो? भाऊजी कहते हैं ना, हाँ, कि अगर जेठ जी आए हैं तो उनको जाओ मान सम्मान से लिवा के चले आओ। ठीक है, हाँ तो चलिए ना। तावा बैठा इज्जत से। अच्छे लाल, हाँ? तू पागल है कि हमरे? भाऊजी कहे इज्जत के साथ लिवा के आओ। अरे तो ये बात इज्जत की थोड़ी होती कि तेरे कंधे पर हम बैठ कर चले। अरे इज्जत मर्यादा की बात यह है कि साथ में लिवा कर प्रेम से चले आओ। चलो चलो चलो। कहिए जेठ जी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में कुछ जरूरी काम से आया हूँ? भाजी मोहना उठा के ले। समझे? मैं तुम्हारे कमरे में कुछ जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम है जेठ जी, बताइए कैसा काम है? ठीक है, आया हूँ तो जरूर बताऊंगा। अच्छे लाल से संभालो, सुनो मेरी बात। कहिए, सुन रही हूँ। अरे पड़ा का तुम्हारे कमरे तक पहुंचा हूं और मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। यार देख क्या है रे, ये से छिनरा जठौ तो पड़ा है। क्या हुआ रे? हां एकदम छिनरा क्या छाले रहे तो। ये हमारी बहू है ना? बहू है? हां पतो है, देख बिटिया का सामान भाई। हमारे घर का सामान है, ये हमारे घर का सामान है, इसमें हमारा आधा हक बनता है बे, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा। बाबू अरे आप यहाँ घर के बड़वार है, ये तो सारी दुनिया जानती है बे ना। हैं यहाँ पे के बाप के दर्जे बैठे हैं। अच्छे लाल, हाँ? कहावत में कहा गया है, हाँ? कि जिसने किया शर्म, जिसने किया शर्म मानो कि इसका फूट गया, समझा? हम शर्म करने वाले इंसान नहीं है। ये हमारे घर की परंपरा है जो हम आज निभाने जा रहे हैं। तब का जी
एक कैसी बहके बहकी बातें कर रहे हो जेठ जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपके आपकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, सोचने की नहीं जे सोचने और समझने की कोशिश तो करो जेठ जी। अभी तक मैं बहुत इज्जत कर रही हूँ जेठ जी। अच्छा, मगर ऐसा मत कहो कि मेरे जुबान से अब जब अब सब निकल जाए। आखिर क्या कहोगी? अरे नहीं तेरे बातों